अब उनके विदाई का समय है, 6 महीना बचा है, तो इसमें रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है। 24 पार्टियां चाहती हैं कि उस पर सरकार बहस कराए ताकि देश की जनता के सामने सच उजागर हो सके। वो अपना बोलने दीजिए ना, अपना राग अपनी डफली बीजेपी बजाते रहे। अब उनका विदाई का समय है, छः महीना बचा है, तो इसमें रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है। लेकिन जो मूलभूत समस्या जिससे पूरा देश का नौजवान, पूरे देश की माँ बहनें जो घर में काम करती हैं, जो महंगाई का दंश झेल रही हैं, जो नौजवान हमारा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उस पे काम नहीं करके इस तरह का रोज़ अपना सिलापट लगवाना, रोज़ किसी न किसी बहाने न्यूज़ में आना, अब क्या मतलब रह गया है? इससे जो बेसिक समस्या है उसका निदान नहीं कर पाए। जो कुछ भी उन्होंने वायदा किया था देश की जनता से, पिछले 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं हुआ। हर फ्रंट पर ये सरकार विफल रही है, फेल हुई है, यही कहना है हम लोगों को। सर, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हर बार नौकरी दी जाती है, रोजगार मेले के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं। अगर आपके गांव में किसी को नौकरी लगी होगी, हम तो 10 साल हो गया, मेरे गांव में, मेरे ब्लॉक में तो किसी को नौकरी लगी नहीं इनके हुकूमत में, तो मैं तो यही देख रहा हूँ। और जो रोज़ हम 500 हज़ार नौजवान हम लोगों से मिलते हैं, सब रोज़गार की बात करते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है इस देश में। इतनी बड़ी कभी भी समस्या नहीं उत्पन्न हुआ। आज़ादी के बाद 13वीं 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है, जितना बेरोजगारी दर बढ़ा है, जितना कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों के थाल से दाल सब्जी गायब है, और उसके बाद इस तरह की बात करना लोगों के साथ बेईमानी है। पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना तो कुछ करते हैं और ना ही करने ही देते हैं। विपक्ष का जो काम है, मान लीजिए जो मणिपुर की घटना हुई, जिस तरह से वहाँ दो महिला माँ बहनों के साथ जिस तरह का अपमान कराने का काम हुआ, तो उससे पूरे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिरी है, भारत के जमहूरियत पर सवाल खड़ा होता है कि उसी समुदाय से आने वाले वहाँ मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, उनको भी नहीं हटाते हैं। लगभग 3 महीना होने को हो गया, प्रधानमंत्री जी ने कभी कुछ ना उस पर अपनी बात कही लोकसभा और राज्यसभा में, और 267 के तहत रोज़ हम लोग नोटिस करते हैं, उस नोटिस का भी कोई नोटिस नहीं है। 23-24 पार्टियां चाहती हैं कि उस पे सरकार बहस कराए ताकि देश की जनता के सामने सच उजागर हो सके। तो जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान का क्या मायने है? इसलिए विपक्ष की पार्टियां हर रोज सवाल उठाती हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जाति आधारित जनगणना को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है, उसकी सुनवाई 7 आदमी। वो भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने का कोशिश करती है, बट वो विफल होंगे और जातीय जनगणना होगा। अरे इसमें क्या कठिनाई है किसी को? जहाँ जितनी जिसकी संख्या है, अगर वो सही मायने में तस्वीर सामने होती है, सरकार के पास होता है, तो उसके अनुसार पॉलिसीज बनेगी। तो क्या लगता है, जिस तरह से 2 राज्यों में जाति आधारित जनगणना को उजागर नहीं किया गया, तो प्रकाशित नहीं किया, बिहार में प्रकाशित हो पाएगा? तो निश्चित रूप से प्रकाशित होगा, लेकिन बीजेपी बोल रहे हैं कि राजनीति का अपना किसी सरकार लोग करेंगे। बीजेपी को अपना बोलने दीजिए ना, अपना राग अपनी डफली बीजेपी बजाते रहे। अब उनका विदाई का समय है, यही जाना।